अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएसजी गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदत अली और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मीडिया को अपनी टाइमलाइन पे ला सकते हैं। सो लेट्स गो। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आप किस तरीके से मीडिया को प्रोजेक्ट विंडो के अंदर लाएंगे, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी इसको टाइमलाइन पे किस तरीके से लाएंगे। एक तरीका ये, आप इसको डायरेक्ट जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जब आप अपने वीडियो के थंबनेल पे जाएंगे और जब प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो हम दूसरी मीडिया जो है, दूसरी फाइल्स भी हम इस तरीके से ला सकते हैं। अब आप देखेंगे आपकी जो क्लिप है वो आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगी, लेकिन प्रीमियर के अंदर हमारे पास जो क्लिप होती है उसके अंदर वीडियो और ऑडियो जो है वो हम अनलिंक कर सकते हैं, वो अलग अलग होती है। लेकिन फिल्मोरा में हमारे पास ऐसा नहीं होता, हम जो है वो दोनों पे हमें एक साथ ही वर्क करना होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियो जो है वो अलग हो जाए तो आप सिंपली जो है अपने क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करेंगी, यहाँ होगा आपके पास एक ऑप्शन डिटैच ऑडियो का, नहीं तो आप कंट्रोल अल्टर डी करेंगे तो भी ये जो है वीडियो और जो आपकी ऑडियो वो एक दूसरे से अलग हो जाएगी। अब आप देखें कि ये जो है वो हमारी जो ऑडियो है वो अलग हो गई है, हमारी जो वीडियो है वो भी अलग हो गई है। तो अब हम जो है वो इस पे काम कर सकते हैं, और अगर हमें ऑडियो पे काम करना है तो हम ऑडियो पे इजीली काम कर सकते हैं। अब अगर मैं अपनी ये जो वीडियो है इसको आगे लेके जाती हूँ, तो जिस तरीके से हमें अगर रिपल डिलीट करना होता है, जो हमारा स्पेस रहता है, तो सिंपली हम करेंगे उस जो हमारी स्पेस है उधर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्रॉस का ऑप्शन आ जाता है, तो वो एक तरीके से रिपल डिलीट हो जाता है। अब हम ऊपर आते हैं तो हमारे पास आता है टूल बार, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो हमें एडिटिंग करने में जो है वो हेल्प करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक टूल है जिसको हम बोलते हैं अंडू, अंडू करना होता है तो हम यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद हम आते हैं इस टूल पे जिस जो है रीडू, कंट्रोल वाई करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा। उसके बाद किसी भी क्लिप को अगर हमें डिलीट करना होता है तो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिम करना होता है तो हम यहाँ से करेंगे, स्प्लिट जो करते हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास जो हमारा स्प्लिट मोड होता है जिसको हम कट कहते हैं, तो जब हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर जब कट लगाएंगे तो ये जो है यहाँ पर कट लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है टाइप टूल, ठीक है, अगर हमें टाइप करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडिट, फिर उसके बाद दो तीन और आते हैं, इसको जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि ये जो है वो हमें जब टाइमलाइन पे वर्क करना होता है कुछ टूल्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब अगर आपको अपनी टाइमलाइन को जूम इन और जूम आउट करना है तो आप सिंपली अपने माउस की कर्सर को रखेंगे यहाँ पर इस लाइन पे, और इसको जब आप ड्रैग करके आगे लेके जाएंगे तो टाइमलाइन बड़ी हो जाएगी, ड्रैग करके पीछे लाएंगे तो टाइमलाइन छोटी हो जाएगी। इसका शॉर्ट की एक और है कि जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और बैकस्पेस के बराबर में जो प्लस और माइनस की साइन होती है उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो टाइमलाइन है वो जूम इन और जूम आउट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन होता है जूम इन और जूम आउट करने का, आप यहाँ से भी जो है वो ईजिली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो ये है लॉक ट्रैक, जब आप लॉक ट्रैक कर देंगे तो जैसे कि मैं इधर लेके जाती हूँ तो अब मैं जो भी काम करूँगी वो इस ट्रैक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वो डायरेक्टली ये जो हमारी ऑडियो जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं उस पर अप्लाई होगा। उसके बाद आता है म्यूट का ऑप्शन, अगर आपकी वीडियो में जो है वो ऑडियो भी है तो आप यहाँ से सिंपली जो है वो म्यूट कर देंगे, नहीं अगर आपको अलग से ऑडियो को म्यूट करना है तो यहाँ जो हमारा ऑडियो का ट्रैक होता है उसके अंदर भी हमारे पास ये ऑप्शन होता है, फिर ये जो है म्यूट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आता है हाइड का ऑप्शन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो क्लिप है वो प्रोग्राम विंडो जो होती है उधर पे नज़र नहीं आती, उधर विजिबल नहीं होती है, तो आप इजीली जो है वो अपनी ट्रैक को अनहाइड या हाइड इजीली कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी वही हमारा जो फॉर्मेट यूज़ होता था प्रीमियर के अंदर, कि हमारे पास जो है वो पहले आवर्स आते थे, फिर मिनट होता था, फिर सेकंड्स होते थे, फिर फ्रेम्स पर सेकंड्स, कि कितने फ्रेम्स पर सेकंड्स पे जो है वो शूट होता है, और ये सारी चीज़ें जो हमारे पास प्रीमियर के अंदर होती थी वो हमारे पास फिल्मोरा में भी है। इसी फॉर्मेट से जो है वो हम लोग इधर भी एडिटिंग ही करते हैं। तो टाइमलाइन के अंदर जो है वो आप सब काम करते, कलर करेक्शन होगी और
सारी चीज़ें जो आप अपनी टाइमलाइन पे करते हैं, लेकिन आपको जो है वो इसके लिए टूल्स की हेल्प चाहिए होती है। तो टूल्स जो है वो मैं आपको अपनी आने वाली क्लासेस में डिटेल में समझाऊंगी। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी, किस तरीके से मीडिया को टाइमलाइन पे लाना होता है वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।